भाइयों भाइयों, हमारे सेकंड चैनल पर पता नहीं क्या जादू हो रहा था। लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जा रहा था, पर अब ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो चुकी है। तुम लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो तनय क्रिकेट लाइव, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देंगे IPL के टाइम पे। वुहू, इस साला कप नाम दे। सोलह साल के वेट के बाद फाइनली RCB के फैंस तो भाई उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिसका ये आइडिया था वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करने का। जो काम छोरों ने 16 साल में नहीं करा, छोरियों ने 2 साल में ही कर दिया। मेरा तो तुमको पता ही, शुरू से मैं RCB को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पैरी क्योंकि उसमें अपने विराट भाई है। विराट भाई भाई, पर मजाक से हटके पैरी ने जो परफॉर्मेंस किया अकेले MI के अगेंस्ट, कभी 6 विकेट ले रही है, कभी अकेले रन बना रही है, तुम परफॉर्मेंस देखो उसका, ब्यूटी को साइड में रख के, क्योंकि वो मैं देख लूंगा। भाई इतना हरामी कोच RCB का मौका मिला नहीं, और बहन के कंट्रोल ही साले कप नाम दे भाई। इस कोच को हिंदी में गाली देने के लिए 1 दबाएं, कन्नड़ में गाली देने के लिए 2 दबाएं। और कौन बोल रहा है, ये मुरली विजय था जो RCB की ड्रेस पहन के आ गया था। मुरली विजय भाई भी वैसे सच में सोच रहे होंगे, काश यार RCB का कोच ही बन जाता, साला सपने तो मन ही मन पूरे हो जाते। अब कल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हुआ, इमाद वसीम भाई ने 5 विकेट लिए, और फिर परफॉर्मेंस का असली कारण बाद में पता चला। लाइव मैच में ही फूके जा रहे इमाद वसीम भाई। फैजल खान हु, ये वीडियो तुमको पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तनय 100 टाइप कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके चेकआउट कर लेना। मजे की बात यह है कि जब इमाम भाई का ये कार्यक्रम चल रहा था, कमेंटेटर यही बोल रहे थे इमाद भाई की तारीफ में कि इन्होंने 5 विकेट ले लिए, नाउ ही कैन रिलैक्स एंड चिल। इमाद भाई ऐसे फैल गए, इतना चिल किया कि कमेंटेटर को परमानेंट चुप होना पड़ा कि ये क्या कर रहा है भाई साहब लाइव टेलीविजन पे। फूफू, लोग ऑफिस में सिगरेट ब्रेक लेते हैं, इमाद भाई ने क्रिकेट में ही सिगरेट ब्रेक ले लिया। मस्त 4 ओवर डाले और ड्रेसिंग रूम में जाके फैजल खान। अब जो लोग बोल रहे हैं इन्होंने किसी फॉरेनर की सिगरेट चुरा के पिए, क्योंकि इन लोगों के पास तो केवल बीड़ी होती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा इतना सच नहीं बोलना होता है। स्मोकिंग नहीं रे बाबा, दवाई है दवाई। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन ते को मालूम क्या? वैसे भी 3.5 लोग PSL का फाइनल देखने आए थे, हम स्टेडियम में खेल रहे हैं या गली में पता ही नहीं चला। कल ट्विटर खोलते ही कुछ ऐसा दिखा, मेरी फट गई। RIP हार्दिक पांड्या भाई, जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं वो हार्दिक भाई को क्या लिखने लग गए। बाद में पता चला मुंबई इंडियंस के कैप्टन साहब हार्दिक पांड्या और कोच मार्क बाउचर लाइव आए थे। उनसे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि रोहित भाई की कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, और दोनों ने ऐसा जवाब दिया पब्लिक का खून खोल गया। ट्रांसफर, डिड यू हैव अ चैट विद शुभमन गिल अबाउट काइंड ऑफ पासिंग ऑन द बैटन अबाउट जी? ये चीज हार्दिक भाई ने भी करी और यही चीज कोच ने भी करी। सबको पता है रोहित भाई के अगेंस्ट बोलने पर लोग इतनी गाली देंगे, पूरा शहर धुआं धुआं हो जाएगा। देखो यार कुछ भी बोलो, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इज्जत तो खूब कमाई। एंड ऑनेस्टली भाई, नो हेट टू एनीवन, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने का डिसीजन ने दिल तोड़ दिया सबका। अब इसके पीछे चाहे जो भी रीजन हो, तुम लोग डिफेंड नहीं कर सकते कि कैप्टनसी चेंज करने का। खैर इस पूरे टॉपिक पर तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं अभी, क्योंकि पूरा क्रेडिट RCB को देना चाहिए भाई, जीते हैं यार। जैसे कि चीकू भैया ने दिया था वीडियो कॉल पर, तुरंत वीडियो कॉल किया जैसे ही RCB विन करी। विराट भाई ने इतनी मस्त बात बोली ना यार वीडियो कॉल पर कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, अरे IPL की ट्रॉफी दिखाओ यार, लोगों को कहने तो जो कहते हैं। पैरी को जैसे ही ऑरेंज कैप मिली, उधर से KL राहुल भाई दौड़ते चले आए कि ओहो भाई साहब मेरी कैप मुझे दे दो। सबने बोला अरे भाई वुमेन्स की है यार, क्या कर रहे हो, उनने बोला चलो भाई ठीक है। फिर दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स, इनकी ट्रॉफी कैबिनेट्स अनयूज्ड है। पंजाब तो फिर भी बोल देगी ना भाई, WPL में हमारे पास टीम, हम पे तो हो ही नो।
राजस्थान रॉयल कॉन्ग्रेचुलेशन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थैंक यू. इधर अलग ही रोस्टिंग चल रही है भाई. राजस्थान रॉयल्स ने एक वो वाला ट्वीट डाला था जो जेठालाल टंकी उठाने में, गैस की टंकी उठाने में उसको स्ट्रगल करता है और उसकी वाइफ फटाक से उठा के चली जाती है, और इन्होंने डाल दिया भाई जेल 2 साल जो राजस्थान बैन हो गई थी उसका. इन दोनों के बीच में अलग ही रोस्टिंग चलती रहती है. आरसीबी मेंस टीम टुडे, आज तो भाई पैर धो के पिए होंगे कि भाई इज्जत बचा ली. नथिंग, वी वॉन द बैटल ऑफ चोकर्स. दिल्ली कैपिटल पता नहीं किस जन्म में एक बार फाइनल में जाएगी और ट्रॉफी जीतेगी. विजय माल्या, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू द आरसीबी वुमेन्स टीम फॉर विनिंग डब्ल्यूपीएल. इट वुड बी ग्रेट एंड फैंटास्टिक डबल इफ द आरसीबी मेंस टीम वॉन द आईपीएल व्हिच इज लॉन्ग ओवरड्यू. भाई साहब, और जो आपका ओवरड्यू है वो एसबीआई, साले कुत्ते पहले तेरा जो ड्यू है वो दे. विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट देखोगे ना तुम तो बस केवल त्योहारों पे विश करने आता है जब बैंक हॉलीडेज रहते हैं, और भाई ने तब ट्वीट कर दिया ये आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए वुमेन्स का सहारा लेते हैं. ये मेरे को पता था, आरसीबी जीते या हारे मीम्स इज परमानेंट. भाई यार, तुमसे एक ट्रॉफी भी नहीं जीती जा रही लास्ट एक महीनों से. एक महीने में केवल आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है लास्ट के. डब्ल्यूपीएल तो झाकी है, आईपीएल अभी बाकी है. ये लग रहा है विराट भाई ने लिखी है शायरी. आरसीबी मैनेजमेंट टू मेंस टीम, अरे लहंगा मंगाओ इनके लिए, अब वैसे ही जीत पाएंगे लग रहा है मित्रों. मारी छोरियां छोरों से कम है के टकलू अंकल ऑक्शन में रेट ही बढ़ाते रहेगा, इनकी टीम इन्हीं को प्रैंक कर देती हर साल. ये देश जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनके लिए देवी कैसे बन गई. पेरी जी, आप और हमसे अनजान, क्या बात कर रही हैं, आपको तो बचपन से फॉलो कर रहे हैं हम लोग. अरे इत्तू से तब से. पेरी, बैटिंग भी करूंगी, बॉलिंग भी करूंगी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताऊंगी, डब्ल्यूपीएल जिताऊंगी, फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल करूंगी, और सुंदर तो बहुत ज्यादा दिखूंगी. ये मैंने अपने से ऐड कर दिया, पर बात तो सही है ना. कैसा स्क्रिप्ट लगा डाला, आरसीबी को जीता के डब्ल्यूपीएल का टीआरपी बढ़ा दिया. स्क्रिप्ट राइटर हमारे फेवरेट जैसा भाई. एलेक्सा प्ले किसी दिन ये तमाशा, मुस्कुराकर हम भी देखेंगे. ओहो, बदले चल रहे हैं भाई साहब, बदले. आरसीबी डिडंट चोक, नो परंपरा, नो प्रतिष्ठा, ओनली एलिशासन. एलिशासन में ही तो जी रहे हम लोग. विराट एबीडी, स्मृति मंदना विद ट्रॉफी. ये ट्रॉफी मैं बता रहा हूँ भाई, पहले 3 दिन एबीडी विलर्स के घर रहेगी, फिर विराट भाई रखेंगे इसको 5-6 दिन. जब मन भर जाएगा तब वुमेन्स के पास जाएगी कि ठीक है भाई तुम जीते थे, अब रख सकते हो, हमारा मन भर गया. बैटिंग में रन चाहिए, आ जाओ दिला दूंगी. बॉलिंग्स में विकेट चाहिए, आ जाओ दिला दूंगी. फाइनल में जाना है, आ जाओ पहुंचा दूंगी. पहरी जी, पहरी की जितनी तारीफ करें यार कमी है. तो बस यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही. बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि आईपीएल में बहुत बकचोदी होने वाली है, वहां पे बहुत मजा आएगा तुमको.